हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कैमरा के एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों, कभी आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको कैलकुलेटर से भी करते तो कुछ समय लग जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूं कैमरा का, बस कैमरा से फोटो को कैप्चर करना है और सेकेंड में आपका सॉल्व कर देगा इक्वेशन को। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बता देगा कि कैसे किया गया है क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या है कि एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फोटोमैथ। आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसको डाउनलोड करने का क्या करना है, इसको ओपन करते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। इसको ओपन करने का आपको अलाउ मांगेगा, आपको सबको अलाउ कर देना है। अलाउ करने का इस तरह से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे मेरे पास दो क्वेश्चन, मैं एक ही क्वेश्चन बना रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। जैसे कि मेरा यहाँ क्वेश्चन दिया गया और इसका एक ऑप्शन आंसर में दिया गया है बी नंबर, जो 29 दिया गया है, ये इसका आंसर होगा जो मैंने पहले से बना रखा था। चलिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको ये जो सिलेक्ट करने वाला जो एरिया वाइट दिख रहा है, जिसमें इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार, जो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फ्रेम फिट कर लीजिए। इसका क्या करना है, यह लाल वाला जो कैप्चर वाला बटन है, इसको आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, इस कैप्चर को ये क्या करेगा, स्कैन कर देगा। स्कैन करने का जो है इसको ये क्या करेगा, इसका सोल्यूशन ये ला देगा। चलिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखेंगे कि हमारा ये इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कैलकुलेट करके ये 29 आंसर दिखा दे रहा है। अगर इसका देखना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या था, सोर्स सॉल्विंग स्टेप तक कर देंगे तो आपका सारा कैलकुलेशन जो इसमें आपको नजर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।